नहीं मिला सर। क्या कह रहे हैं? क्या स्ट्राइक है? अच्छा, कहाँ से आए थे आप? हम आए ओडासर से। आपको जान नहीं था कि पेट्रोल पंप? अब हमने तो सुन देखा नहीं था, पता ही नहीं था। हाँ, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उसने बोला कि स्ट्राइक है, हम भर नहीं रहे। मैं 100 रुपये का भी भर दो, एमरजेंसी में कहीं तो जाना है ना, तो लेकिन नहीं, स्ट्राइक हम नहीं भर सकते। आज जो बंद का जो मामला है उसके मेनली दो तीन कारण हैं। सबसे बड़ा कारण राजस्थान में वैट का ज़्यादा होना है। उसके अलावा बॉर्डर के एरियों से कंसेशनल रेट के जो डीजल हैं वो करीब 6-7 रुपये लीटर वहाँ से सस्ता आता है। करीब 20 साल पहले राजस्थान सरकार ने सारे प्रकार के जो कंसेशनल डीजल के डिक्लेरेशन थे वो सारे बंद कर दिए थे। विधिक रूप से भी सरकार ने यह तय कर लिया था कि डीजल के ऊपर किसी भी प्रकार की रियायती डीजल हम नहीं बेचेंगे। वो नहीं रियायती बेचने का है तो फिर ये 7 रुपये लीटर गुजरात बॉर्डर से वहाँ से सस्ता आता है, और यहाँ ऐसे कई ऐसे बड़े औद्योगिक नाम से डीजल आते हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट के आते हैं, कई कॉन्ट्रैक्टर्स के आते हैं, और वो आगे पास ऑन डीजल करते हैं, वो आगे बेचते हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो सरकार को नुकसान ही हो रहा है। इस बाबत हमने बिक्री कर अधिकारियों को भी कमिश्नर तक मैंने खुद ने लेटर लिख के कहा है कि इसका एनालिसिस करिए। कुल मिलाकर सरकार को नुकसान हो रहा है। उनकी हालत ऐसे है कि भूखे आदमी को रोटी चाहिए लेकिन उसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है। अब बॉर्डर के ऊपर जिन पंपों के ऊपर रोज का 20,000-30,000-40,000 लीटर तक डीजल बिका करता था, और कोई ज़माना था कि जब राजस्थान में डीजल सस्ता हुआ करता था और गुजरात में महंगा हुआ करता था, तो वो 2 रुपये का सस्ता होने के कारण वहाँ राजस्थान के पंपों के ऊपर लाइन लगती थी, उसमें सरकार को भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा फायदा होता था। अब उस फायदे का तो मामला गया बिल्कुल। अब 3.25 रुपये लीटर ज़्यादा होने के कारण गुजरात राजस्थान में यहाँ की जो सेल है वो बिल्कुल नील के बराबर हो गई है। पंप के ऊपर खर्चा निकालने लायक भी सेल नहीं होती है, ये हालत हो गई है।